नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय पर बलात्कार, चीटिंग और जबरन अबॉर्शन कराने के मामले में मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामला 15 तारीख को दर्ज किया गया। पीड़िता एक मॉडल है। पीड़िता और महाक्षय दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय के साथ वो 2015 से रिलेशनशिप में थी। महाक्षय ने इस दौरान उनसे शादी का झांसा देकर कई बार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने अपनी एफआईआर के जरिए बताया कि साल 2015 में महाक्षय ने उन्हें घर बुलाया और सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवाएं दी। इसी दौरान महाक्षय ने पीड़िता की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में कई बार शादी करने की बात कही। पीड़िता का आरोप है कि महाक्षय चक्रवर्ती करीब 4 साल तक उनसे शारीरिक संबंध बनाते रहे, साथ ही पीड़िता का गर्भपात भी करवाया गया। एफआईआर में कहा गया कि जब पीड़िता प्रेग्नेंट हुई तो महाक्षय उस पर जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने के लिए दबाव बनाते रहे। जब पीड़िता ने इनकार किया तो उसको दवाइयां देकर गर्भपात भी करवा दिया गया। वहीं पीड़िता का कहना है कि उसे ये नहीं पता था कि उसे दी जा रही दवाइयां गर्भपात की हैं। महाक्षय की मां ने शिकायत के बाद पीड़िता को धमकाया था और मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव भी बनाया था। बता दें कि महाक्षय और उनकी मां के खिलाफ धारा 376 2N एक ही महिला से बार बार बलात्कार करना, 328 जहर देकर या दूसरे तरीके से चोट पहुंचाना, 417 धोखाधड़ी, 506 धमकी देना, 313 महिला की सहमति के बिना गर्भपात और धारा 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।